इम्पॉसिबल टूडेन्थ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी लेटस है क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चन के आंसर हैं ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा किश्तवार नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में हिमाचल प्रदेश में है ये धौलाधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स ये मेमोयर है अभी न्यूज में है और ये मेमोयर है फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी साहब का इंटरनेशनल माउंटेन डे 2020 का थीम था माउंटेन बायोडाइवर्सिटी यूटी ऑफ लद्दाख का स्टेट एनिमल है हंगुल आज के सवाल है रॉफ रॉफ एक फोक फोक डांस है ये बिलोंग करता है विच स्टेट से नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट यहाँ एक एनिमल के ट्रांसलोकेशन की बात हो रही थी उस एनिमल का नाम भी बताइए विच ऑल कंट्रीज शेयर इट्स बॉर्डर विद ब्लैक सी मैप में हमने ब्लैक सी देखा था इसके बॉर्डर कंट्रीज कौन से हैं वन बाइट कॉम्प्यूटर्स में होता है वन बाइट इक्वल्स हाउ मेनी बिट्स पी डी एफ पी डी एफ होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है द कलर ऑफ द आई डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रजेंट इन सबकी आईज का कलर डिफरेंट हो सकता है ब्लैक ब्राउन ब्लू ये जो कलर होता है ये जो पिगमेंट होता है इट इज प्रजेंट इन वॉट सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबुलरी वर्ड है इम्पेडिमेंट इमपेडिमेंट का मतलब है रुकावट हिंडरेंस ऑब्स्ट्रक्शन इन डूइंग समथिंग यू वॉन्ट टू डू समथिंग और रास्ते में बाधाएं आ रही हैं दैट इज इम्पेडिमेंट लॉन्ग हॉल फार्मर प्रोटेस्ट अब लॉन्ग हॉल नजर आ रहा है एंड डिफिकल्ट एफर्ट और टास्क प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मतलब आपने एक वहां पे प्रेसिडेंट या एक स्टाइल सेट कर दिया है इवेंट और एक्शन है जो आने वाले टाइम पे एज एन एग्जाम्पल रेफर किया जाएगा यू हैव सेट अप प्रेसिडेंट इंजीनियस इंजीनियस मतलब वो बहुत ओरिजिनल है इन्वेंटिव है इनोवेटिव है दैट इज इंजीनियस वर्क मॉपअप टैक्स में ये वर्ड यूज हुआ है मॉपअप मतलब टू गैदर या एब्जॉर्ब दिस सर्टेन थिंग टू गैदर एज इफ एब्जॉर्बिंग ऑल्सो मॉपअप हुआ है टैक्स कलेक्शन सो दीज आर सिक्स फाइव वर्ड्स फॉर टूडे आज हम पढ़ेंगे फार्मर्स हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कंटिन्यू प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है दिस इज इंपॉर्टेंट देन इंडिया एंड बांग्लादेश के टाइज बांग्लादेश हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है देन दिस इज बैक टू लाइफ अकबर के नौ रत्न शेकल्स एंड टाइज ब्रेगजिट एंड इंडिया इंडिया एंड यू के रिलेशन दिस इज सेंशन ओवर रीच एस फोर हंड्रेड टर्की रशिया एंड यू एस एगरी रिफॉर्म्स गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये लीड आर्टिकल है इसमें जो बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जो जरूरत है एग्रीकल्चर में उस पर काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं पुटिंग फूड एट सेंटर ऑफ इंडियाज न्यूट्रिशन एजेंडा कॉन्टिनली हम इस बात पे बात कर रहे हैं एनीमिया अंडर न्यूट्रिशन डाइट रिलेटेड मेजर्स एंड वॉट चैलेंजेस डू ऑनलाइन क्लासेस पोज कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी आई एस आर ओ ने ये एक नया लॉन्च किया है पी एस एल वी सी फिफ्टी रॉकेट से डब्ल्यू एच ओ प्रोब करना चाहता है चाइना को हनुक्का हनुक्का फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है अभी एंड दिस इज चैंगी रिटर्न और ये मैप है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का so we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minute see website see I am not a professional pehla website banaya tha aur ye ab ye dusra website hai I am not a professional isme continuous refo, continuous hum refinement karenge it will take some time but अभी CSET और NCTB भी resume करना है सब बहुत नाराज हो रहे हैं तो it should work इसमें comments should work इसमें कुछ settings tweak किया है comments should work अगर फिर भी वर्क नहीं कर रहे हैं ना तो लेट्स कम टू दिस सॉल्यूशन आप अपना आंसर लिखो राइट डाउन योर आंसर पेन एंड पेपर में प्रेफरेबली आप ए फोर साइज के पेपर में लिखो नॉर्मल पेपर भी चलेगा सो यू राइट डाउन योर आंसर उस आंसर का आप अपने मोबाइल कैमरे से एक फ़ोटो ले लो फोटो अगर अच्छी लाइट में लेंगे ना तो वो साफ़ आएगा फ़ोटो सन में लेंगे तो और भी अच्छी बात है ये फोटो लेने के बाद आपके पास व्हाट्सएप नंबर है वेबसाइट में भी इनेबल्ड है व्हाट्सएप में ये जो फोटो है आप मुझको सेंड कर दो एज अ फाइल इमेज में नहीं करना इमेज से रिजोल्यूशन कम हो जाता है आप सेंड एज अ फाइल करो इस आपके आंसर का कॉपी को मैं चेक करूंगा और फिर मैं इसको अपलोड कर दूंगा वेबसाइट में ओके सो so, ऐसा करके देखते हैं और स्ट्रेटजी और बुकलिस्ट का भी इस वीक में ही वीडियोज आइल शेयर ओके अब हम बात करते हैं हमारे डिस्कशन का सो वो कैबलरी है और ये है फर्स्ट टॉपिक ये द हिंदू है और ये इंडियन एक्सप्रेस है रेफरेंस मटेरियल पहला जो हेडलाइन है द हिंदू में वो है फार्मर्स हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कंटिन्यू प्रोटेस्ट है सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिया है कि फार्मर्स का ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं दिस इज डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट कर सकते हैं बट देयर परपजस कैन नॉट बी रियलाइज विदाउट टॉकिंग दे नीड टू कम फॉरवर्ड एंड टॉक टॉक डिस्कशन डिबेट करना पड़ेगा अपनी बातें रखनी पड़ेगी और एक्सचेंज ऑफ व्यूज आइडियाज होना पड़ेगा सरकार के साथ तभी वहां पे फिर एक सॉल्यूशन फाइंड होगा सेकंड, डिसेंट का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पे वॉयलेंस हो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ये हमेशा ध्यान रखना है वॉयेंस इज एनी टाइप वॉयेंस इन एनी टाइप कभी भी एनकरेज नहीं करना है वॉयलेंस नहीं होना चाहिए डिसेंट इज नॉट इक्वल टू वॉयेंस द राइट टू प्रोटेस्ट राइट टू प्रोटेस्ट है ये एक पार्ट है फंडामेंटल राइट right का ऑनरेबल कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है राइट टू प्रोटेस्ट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड कैन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बी एक्सरसाइज्ड सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर वाई बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स आर क्वालिफाइड आपके पास फंडामेंटल राइट right है दूसरे पर्सन के पास भी उसके फंडामेंटल राइट्स हैं सो ये क्वालिफाइड होते हैं एब्सोल्यूट नहीं होते The right to protest is a part of a fundamental right and can be a matter of fact be exercised subject to public order. Subject to public order and dissent is not equal to violence. अब यहाँ पे जरूरी है कोर्ट ने ये सजेशन भी दिया है इम और इंडिपेंडेंट कमिटी बनाएं दोनों साइड्स बात करें और एक कॉमन सॉल्यूशन पे आएं फार्मर्स हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कंटिन्यू प्रोटेस्ट सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज यहाँ पे मीन वायल सेंट्रल विस्टा है इसका एस्टिमेट कैलकुलेट हुआ है तेरह हजार सात चार सौ पचोस पचास करोड़ रुपए स्ट्रेंथनिंग टाइज विद बांग्लादेश अ प्रायोरिटी प्राइम मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया बांग्लादेश हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है सी ये बांग्लादेश है नाउ लुक एट द जोग्राफी बांग्लादेश तीन साइड से इंडिया से ऐसे सराउंडेड है तो इंडिया को भी बांग्लादेश के साथ अच्छे टाइज रखना इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज इससे हमारा नॉर्थ ईस्ट का कनेक्टिविटी भी बेटर होता है तो दिस इज़ बांग्लादेश एंड सी ये जो बॉर्डर है ना ये सबसे बड़ी लैंड बॉर्डर है हमारी किसी दूसरे कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर इसकी लेंथ है फोर थाउजेंड नाइन्टी सिक्स किलोमीटर तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ यहाँ वेस्ट बंगाल है असम है सो so दिस इज़ बांग्लादेश इसके अलावा नेपाल एंड भूटान भी है अब सी हमारी पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी ईस्ट मतलब ये वाला एरिया म्यांमार एंड देन एशियान तो जो मेजर पिलर है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में ईस्ट पॉलिसी में भी वो है दिस बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर ने अभी वर्चुअल समिट टॉक किया रेल लिंक बिटवीन दिस चिल्हाटी चिल्लाटी इन बांग्लादेश एंड हल्दीबाड़ी इन वेस्ट बंगाल स्टार्ट हो रही है ये फिफ्थ सच लिंक होगा रेलवे लिंक कुछ दिन पहले हमने नोट्स में देखा था डिफरेंट रेलवे लाइन्स हैवलो नाइनटीन सेवेंटी वन बांग्लादेश लिब्रेशन वॉर हुआ था यहाँ जो मार्टर्स थे उनको अभी होमेज पे किया गया अभी सेंटेनरी भी है बंगा बंधु शेख मुजिबर रहमान जी का इनको भी अभी सेलिब्रेशन होगा एक और अनाउंसमेंट हुआ श्याम बैनेगल साहब इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट फिल्म मेकर हैं ये 2021 में एक बायोपिक लेके आएंगे बंग बंधु शेख मुजिबर रहमान साहब के ऊपर नेम द रोड फ्रॉम मुजीब टू वेस्ट बंगाल नाडिया एज शादी नोटा शोरोक ये एक नई रोड है रोड का ये नया नाम रखा जा रहा है फिफ्टीथ इंडिपेंडेंस मार्च होगा 2021 में उन्नीस 2021 इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी पार्टिसिपेट करेंगे रिमूवल की जरूरत है ऑबस्टेकल्स टू लैंड बिकॉज कुछ टाइम पहले हमने देखा था लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट हुए थे एक्सचेंज ऑफ हुए थे इसने एक बहुत बड़ा जो बॉटल नेक आ रहा था इंडिया बांग्लादेश रिलेशन्स में उसको सॉर्ट आउट किया था एक और जो इशू है दैट इज़ तीसता वाटर शेयरिंग इशू ये भी फिलहाल के लिए बैक बर्नर पे है चाइना का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बांग्लादेश में बांग्लादेश में इकोनॉमिकल काफ़ी अच्छा उसने अभी वर्क किया है माइक्रो फाइनेंस में बांग्लादेश का एक एग्जांपल लिया जाता है और क्लोथ में क्लोथ में एपरल में और जो माइक्रो मैनेजमेंट माइक्रो इंडस्ट्रीज एम एस एम ईज में इसमें बांग्लादेश हैज़ डन रियली वेल सो रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स लैंड कनेक्टिविटी एंड ग्रोइंग ट्रेड ये गेम चेंजर रहा है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में फॉर पास टाइम और फिर जो लीडर्स होते हैं ना इनका भी पर्सनल केमिस्ट्री होता है जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं इनके बीच भी इस जो टर्म्स अभी हुए हैं लास्ट फाइव सिक्स में काफी कोऑपरेशन हुआ है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में सो दैट इज इस वर्चुअल मीट में कहा टाइज विद बांग्लादेश एक प्रायोरिटी है प्राइम मिनिस्टर ने कहा अब बिकॉज अब ये डायरेक्शन मिल गया है ना ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है सेवन अग्रीमेंट साइन हुए हैं अभी हाइड्रोकार में हाई इम्पैक्ट कॉम्युनिटी डेवलपमेंट में एलिफेंट कंजर्वेशन में अभी हम आगे दिस इलेक्ट्रिक फेंस की भी बात करेंगे एलिफेंट एक यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है एलिफेंट कंजर्वेशन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एग्रीकल्चर में इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द इंडिया बांग्लादेश सी फोरम इस सात सेक्टर में अग्रीमेंट साइन हुए द पॉइंट इज बांग्लादेश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस सो लेट एस ट्राई टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन इन द मॉडर्न टाइम्स अब ये जो सवाल होता है ना हर सवाल में एक कीवर्ड होता है कीवर्ड जो होता है ना वो पूरे सवाल का एक टोन सेट करता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन फाइन बट यहाँ एक कीवर्ड है मॉडर्न टाइम्स मतलब जो चेंजिंग टाइम्स है हाल का जो समय है इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं जो रिलेशन है हमको ज़्यादा पार्ट उसमें एम्पेसाइज करना है ये नहीं कि जो डेढ़ सौ वर्ड है तो आपने सौ वर्ड अपने हिस्टोरिकल चीज़ों पर ही लगा दिए और फिर बाद में दो तीन लाइन लिखा मॉडर्न टाइम्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशन में नो ट्वेंटी फाइव परसेंट आप एक बैकग्राउंड बताओ और डायरेक्ट फिर क्विकली जंप करो मॉडर्न टाइम्स में मॉडर्न टाइम्स मतलब पिछले पंद्रह बीस साल दस साल आने वाले पंद्रह साल में क्या रिलेशन होने वाले हैं फोकस ऑन दिस थिंग ओके नाउ ट्राई टू राइट दिस क्वेश्चन ए साइज में प्रेफर करिए एंड सेंड इट टू मी इन फाइल फॉर्मेट इन व्हाट्सएप आई एल चेक एंड अपलोड इट इन वेबसाइट ओके सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडे एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब जो नेक्स्ट है दैट इज दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू सो दिस 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 एंड दिस इज द फ्रंट पेज अब जो सेकेंड पेज है ये लॉन्ग हॉल नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन प्रोटेस्टर्स प्रिपेयर कर रहे हैं डेलिबरेशन देन दिस इज द नेक्स्ट पेज दिस इज स्टबल बर्निंग अभी भी हो रही है शियल एरिया कैन सेट रॉन्ग प्रेसिडेंट रॉन्ग प्रेसिडेंट मतलब गलत आपने एक डायरेक्शन टोन सेट कर दिया रॉन्ग प्रेसिडेंट जो आगे फिर और ऐसा चेन रिएक्शन चालू कर देगा उसका एग्जाम्पल्स लिया जाएगा तो प्रेसिडेंट दिस इज बैक टू लाइफ ये क्या है ये मैसोलियम है अब्दुल रहीम खाने खाना पॉपुलरली नोन एज रहीम सिक्स ईयर कंजर्वेशन एफर्ट था आगा खान ट्रस्ट का कल्चर इंटर ग्लोब फाउंडेशन में और ये फिलहाल अभी रेडी हो गया है दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट अब यहाँ एक प्रश्न अक्सर आता है वो आता है अकबर के नौ रत्न ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेडिवल में अकबर की जो कोर्ट थी इसमें नाइन एमिनेंट पीपल थे उनको बोला जाता था नाइन जेम्स बिकॉज किंग उतना ही अच्छा होता है जितने अच्छे उसके काउंसलर्स होते हैं सो नाइन जेम्स थे नवरत्न वो हेल्प करते थे अकबर को मेक की डिसीजन और ये सारे अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स थे दीज नवरत्न वर प्रोफिशियट इन डिफरेंट आर्ट एंड फील्ड सो द क्वेश्चन फॉर यू टूडे इज आप इन नौ नवरत्न के नाम बताइए एक लिस्ट में और वो किस फील्ड में प्रोफिशियंट थे ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जाम्स में इन नौ रत्न से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे टोडरमल क्या थे बीरबल क्या थे अब्दुल रहीम खाने खाना क्या थे इस टाइप से काफी पॉपुलर क्वेश्चन है फ्रिक्वेंटली आंसर इससे क्वेश्चन पूछे गए सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन दिस इज अगेन द

इंटरनेशनल रिलेशंस में और नॉर्मल रिलेशंस में भी अक्सर आप देखना हम छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ा बड़ा नुकसान कर लेते हैं छोटे छोटे क्वर्कस होते हैं छोटी छोटी चीज़ें अनप्लेजेंट होती है हमको उसे इग्नोर करके बिग पिक्चर पे फोकस करना चाहिए ब्रॉड ब्रॉड जो होता है ना ब्रॉड मैंटेलिटी होनी चाहिए शेकल्स एंड टाइज ये कमेंट अभी यहाँ पे लिखा है विद रेस्पेक्ट टू इंडिया एंड यूके रिलेशंस यूके और इंडिया का रिलेशन बहुत पुराना है हम कॉलोनी भी थे देन फिर रिलेशन और हुए बेटर भी हुए पिछले कुछ टाइम से काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है बट द पॉइंट इज वी शुड फोकस ऑन बिगर पिक्चर इंडिया एंड द यू के यू के को द यू के क्यों बोलते हैं बताइए द यू के ऐसी द यू एस ए होता है द यू के इंडिया में नहीं लगता इंडिया एंड द यू के मस्ट नॉट अलाउ कंसर्स ऑफ द मोमेंट टू डोमिनेट देयर रिलेशनशिप मोमेंट्स जो होते हैं ना ये चेंज होते रहते हैं ब्रॉडर पिक्चर चेंज नहीं होती हमें फोकस ब्रॉडर पिक्चर में करना चाहिए ये जो माइन्यूट चीजें हैं मोमेंट्स हैं ये डिफाइन नहीं करना चाहिए ओवरऑल ट्रजेक्टरी ऑफ रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज अभी सी यूके अंडरगोइंग ब्रेक्जिट है तो यूके ढूंढ रहा है नया पार्टनरशिप आउटसाइड 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 ऑफ दिस यूरोप ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक रॉप अभी दिल्ली विजिट किए इन्होंने एक इमीडिएट रिलेशंस के प्लान बताए और लॉन्ग टर्म गोल्स भी बताए रिपब्लिक डे में अभी बोरिस जॉनसन चीफ गेस्ट होंगे इंडिया को भी इनवाइट किया जा रहा है जी सेवन में और कॉप ट्वेंटी सिक्स में जो यूके में होगा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ज़रूरी है जो एनविजन करे क्लोज मिलिट्री टाइज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ये लेवल लेवल बढ़ रहा है इंडिया एंड यूके के रिलेशन का कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज में ज़रूरी है पहली बार यूके के जो स्टेटमेंट्स हैं वो इंडो पैसिफिक टर्म बहुत स्पेसिफिकली यूज़ कर रहे हैं इंडो पैसिफिक काउंटर टेररिज्म एक मुद्दा है और फाइटिंग क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो वन थिंग इसके अलावा ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का क्लोज कोऑपरेशन है सो द पॉइंट इज इस एडिटोरियल में जो ब्रॉड थीम है वो थीम ये है कि हमें अकोमोडेटिव भी होना चाहिए और जो दो पार्टीज हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दोनों सेम चीज़ थॉट प्रोसेस भी सेम होगा थिंकिंग भी सेम होगा डिफरेंसेस आर गुड बट जो एक दूसरे के सेंसिटिवनेस है सेंसिटिविटी है या फिर एप्रीहेंशन है वी शुड फोकस ऑन अकोमोडेटिव स्टांस और बिगर पिक्चर पे फोकस करना चाहिए बिकॉज इंडिया एंड यूके में बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस है और बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का शैकल्स एंड टाइस ट फिफ्थ इज सेंशन ओवर रीच सेंशन ओवर रीच कमेंट है यूएस पे यूएस का एक रूल है यूएस का एक लॉ है काटसा काटसा का मतलब है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्जरी काउंटर करना जो अमेरिका के एडवर्जरी है जिससे खतरा हो रहा है थ्रू सेंक्शंस एक्ट तो जहाँ ऐसा लग रहा है अमेरिका के एडवर्जरी डोमिनेट कर रहे हैं तो यू एस पे सेंक्शंस लगा देता है और इनको काउंटर करने की कोशिश करता है तो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्जरी थ्रू सेंशन एक्ट ये टू में पास हुआ था अब ये फिर से न्यूज में न्यूज में क्यों है ऑल दो ट्रम्प ने वेवर दे रखा था या फिर वो इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे टर्की हुआ इंडिया हुआ जो रशिया की एस फोर हंड्रेड ट्राइम मिसाइल सिस्टम खरीद रहे थे बट अब टर्की पे सेंक्शंस लग रहे हैं यूएस शुड रियलाइज इट कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स इन चेंज ग्लोबल ऑर्डर ये जो आज का वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर है ना इसका सेटिंग स्टार्ट होती है 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ तो वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया था बायपोलर हो गया था एक था यूएसए और दूसरा ब्लॉक था यूएसएसआर और जो ट्रेडिशनल सुपर पावर्स थे जैसे यूके हुआ फ्रांस हुआ ये थोड़ा पीछे हट गए थे नाइनटीन आते आते यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होगा और यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाएगा जिसमें केवल एक ही सुपर पावर है वो है यूएसए बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2007-2020 वर्ल्ड अब बन रहा है मल्टी पावर मल्टीपोलर बन रहा है अब जो टर्की है टर्की ऐसा कंट्री है जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है टर्की मेंबर ऑफ नाटो भी है अब टर्की मेंबर ऑफ नाटो है नाटो अगेंस्ट रशिया है और टर्की एस फोर हंड्रेड मिसाइल सिस्टम ले रहा है रशिया से तो इस बात पे यूएस एस सेंक्शंस लगाएगा सेंक्शंस लगाएगा काटसा से यूएस टर्की को एफ थर्टी फाइव प्लेन भी देने वाला था कैंसिल कर दिया अब ये एस फोर हंड्रेड जो मिसाइल सिस्टम है ना ये हाईली एडवांस्ड शील्ड है कि अगर कोई अटैक कर रहा है मिसाइल से तो ये काउंटर करेगा एज अ एयर शील्ड की तरह काम करेगा एस फोर हंड्रेड दैट इज़ बाय रशिया ने इसे सीरिया में लगाया था ईस्टर्न यूरोप में लगाया था आर्कटिक में भी लगाया था कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया चाइना टर्की ये सब एस फोर हंड्रेड मिसाइल सिस्टम लेने के लिए इंटरेस्टेड है अभी एक और इशू चला चला था जो जॉर्जिया में हमने देखा था नागार्नो काराबाग का यहाँ अजरबैजान आर्मेनिया टर्की और रशिया ये चार प्लेयर थे आर्मीनिया का सपोर्टर था रशिया अजरबैजान का सपोर्टर था टर्की ओवरऑल इस कॉन्फ्लिक्ट में वैसे तो कॉन्फ्लिक्ट में किसी की जीत होती नहीं है जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो सफ़र करेंगे ही बट देखा जाए तो अजरबैजान को थोड़ा अपर हैंड मिला अजर अजरबैजान मतलब टर्की और रशिया का एक हेलीकॉप्टर भी गिराया था इन्होंने तो उससे रशिया और टर्की के रिलेशन थोड़े स्ट्रेन हुए सीरिया से भी रिलेशन स्ट्रेन होते हैं बट अब यूएस अगर ज़्यादा फोर्स डालता है टर्की पे तो टर्की और रशिया क्लोज फ्रेंड्स हो जाते हैं तो ये जो पूरा ग्लोबल ऑर्डर है ना ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है अंकाराज स्ट्रैटेजिक थिंकिंग अभी एक और बुक है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी वन लेसन फॉर ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी यू वल नोआ हरारी की है आई रेड दिस बुक इसमें भी यही लिखा है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है किसी भी चीज को ऐसे डायरेक्टली बताना इट्स इट्स अ डिफिकल्ट थिंग बिकॉज जो कंट्रीज है ना वो हमेशा अपने इंटरेस्ट पे खेलती है देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स नो परमानेंट एनिमीज देर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट तो सी जैसे यूएस का प्रेशर आया तो टर्की और रशिया फिर से क्लोज हो गए जब इसकी बात आ रही थी नागार्नो काराबाग की तो ये फिर वर्सेज हो गया था रशिया वर्सेज टर्की हो गया था तो दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग मल्टीलेटरल वर्ल्ड है सेंक्शन ओवर रीच अब जो नेक्स्ट है दिस इज अबाउट इन एग्री रिफॉर्म्स गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड ड्रॉइंग बोर्ड पे जाना मतलब कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है यू आर बैक टू बेसिक्स वापस अब जा रहे हो और उसमें सोच रहे हो अब इसको कैसे बेटर करें रिफॉर्म करें तो एग्रीकल्चर हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं हमने डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस भी देखा प्रोज भी और उसके अगेंस्ट भी प्रो फार्मर प्रोटेस्ट और अगेंस्ट फार्मर प्रोटेस्ट एग्री रिफॉर्म जो चीज़ है उस पर सब एक कंसेंसस है कि एग्रीकल्चर में एक रिफॉर्म की ज़रूरत है हेल्प की ज़रूरत है इंटेंडेड बेनिफिशरीज जो हैं ऑफन अंडरस्टैंड द रियलिटीज ऑफ द सिस्टम्स बेटर पॉलिसी मेकर्स नीड टू बिल्ड ट्रस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ट्रस्ट बिना ट्रस्ट के काम नहीं होता है इंक्रीज करें प्रोडक्टिविटी डिजगाइड अनएम्प्लॉयमेंट होता है एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन की रिक्वायरमेंट है बट अगर अपन प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं ना जैसे आपने एन पढ़ लिया है एन में ह्यूमन जोग्राफी पढ़ा है ह्यूमन जोग्राफी में एक चैप्टर था प्राइमरी एक्टिविटीज़ उसमें एग्रीकल्चर के डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं कि अलग अलग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कैपिटल मैकेनाइजेशन कैसे होता है एंड ऑल इंडिया और साउथ एशिया के एग्रीकल्चर पे भी कमेंट है तो प्रोडक्टिविटी अगर हम बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन में एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाई तो उसकी कॉस्ट होती है कॉस्ट क्या होती है इकोलॉजिकल डिसबैलेंस जो ग्राउंड वाटर है डिप्लीशन हुआ सॉल्ट पैन बन गए वहाँ पे एनवायरमेंटल डैमेज हुआ जो खेत हैं वो ऊसर हो गए खेत जो थे वो बंजर होने लग गए सो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी की भी कॉस्ट हुई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जैसे हम मोनोक्रॉप कर रहे हैं मोनोक्रॉप से काफ़ी ज़्यादा इनिशियल तो बेनिफिट मिला बट मोनोक्रॉप से बायोडाइवर्सिटी कम होती है तो फार्मर्स को वीट और पैडी के अलावा भी और कुछ सोचना चाहिए अलाइड एग्री एक्टिविटीज़ में सेकेंड एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ तो वो बिकॉज ऑफ हुआ हाई यल्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स में सो सिमिलरली वी नीड साइंटिफिक इनोवेशन इनोवेट करें नेचर होती है ना ये बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और सेल्फ एडेप्टिव सिस्टम होता है एक टाइम पे डायनासॉर्स थे दे आर गॉन ह्यूमंस भी बहुत ज़्यादा हो गए नेचर इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेल्फ एडेप्टिव सिस्टम इन दी एंड नेचर ही रूल करता है अगेन ह्यूमन जोग्राफी एक्सेलेंट बुक उसमें दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं पॉसिबलिज्म के और डिटरमिनिज्म के तो वॉट वी नीड टू फॉलो इज फॉलो न्यू डिटर्मिनिज्म प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हम लाते हैं स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं हमें ज़रूरत है हम सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करें मार्केट एक्सेस हमें लाने की ज़रूरत है मार्केट एक्सेस से अगर हम कंपटीशन से खुद को शील्ड करेंगे तो इन दी एंड इससे हमारा नुकसान ज्यादा होगा वी नीड टू इंटीग्रेट विद ग्लोबल सप्लाई चेन स्ट्रेंदन करें कोऑपरेटिव अक्सर ये सवाल उठते हैं कि जो किसान है वो छोटा किसान है वो फाइट नहीं कर पाएगा बड़े मेजर कॉर्पोरेट से बट वाई नॉट वी आर फोकसिंग ऑन कोऑपरेटिव हमारे पास मिल्क डेयरी का इतने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं सेटअप कोऑपरेटिव इससे क्या होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग मस्ट बी स्ट्रेंदन यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल कलेक्टिव बार्गेनिंग मस्ट बी स्ट्रेंदन और बिग टिकट रिफॉर्म्स होते हैं ना, तो कोई भी बड़ा काम करने से पहले पहले कंसल्टेशन लेना चाहिए और एक कंसेंसस बनाना चाहिए केस स्टडी में ये दो वर्ड हमेशा लिखना है जब भी बिग टिकट रिफॉर्म्स हैं ऑलवेज हैव कंसल्टे शेयर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सबसे कंसल्टेसन करें स्टाक होल्डर्स से और उनको कंसेंसस बनाएं सिलो एक्सपर्ट्स कैन नॉट हेल्प सिलो एक्सपर्ट्स क्या होते हैं वो केवल इसी फील्ड में बहुत अच्छे से उनको नॉलेज है बट आउटसाइड दिस फील्ड दे डू नॉट नो मैनी थिंग्स अब प्रॉब्लम क्या होती है कि चीज़ें सब कनेक्टिव कनेक्टेड होती है इंडिपेंडेंट में कोई चीज़ नहीं होती जैसे यू प्रिपरेशन में भी दो टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं एक स्टूडेंट होते हैं जो जो सिलेबस लिखा है ना वो उसी में बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे एंड दे विल जस्ट फोकस नैरोली ऑन दिस सिलेबस और यूपीएससी की आदत होती है वो कोचिंग को हेट करता है और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कई बार आते हैं तो जब ऐसा होता है ना तो ये स्टूडेंट्स काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं सो दैट इज़ बाय इट इज़ गुड यू फॉलो द सिलेबस बट एक हॉलिस्टिक वे में पढ़ना चाहिए अक्सर आप देखना वो स्टूडेंट सेलेक्ट होता है जिसका रीडिंग हैबिट भी है उसके पास राइटिंग हैबिट भी है उसके पास थोड़ी हॉबीज भी है और लिखना भी आता है पढ़ने में भी ठीक है एक वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है वो ऐसे सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं सिलेबस में फिक्स रहना है बट कंस्ट्रेन नहीं होना है वी नीड टू की बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया अदरवाइज आप इंटरव्यू में डिफीट हो जाओगे पर्सनैलिटी टेस्ट में डिफीट हो जाओगे सो ट्राई टू हैव दिस होलिस्टिक थिंग सिलो एक्सपर्ट्स कैन नॉट हेल्प द लेसन्स फॉर इंडियाज लीडर्स इज गुड प्रोसेस फॉर मेकिंग पब्लिक पॉलिसीज बिल्ड ट्रस्ट बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन सिटीजन एंड देयर गवर्नमेंट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप लेसन बिल्ड ट्रस्ट एंड कंसेंस एंड कंसल्टेशन सो ये कुछ अगेन पॉइंट है सारे एग्री रिफोर्म्स में हमें क्या करना चाहिए एंड वॉट इज रिक्वायर्ड पुटिंग फूड एट द सेंटर ऑफ इंडिया न्यूट्रिशन एजेंडा ये कॉन्टिन्यूसली हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे न्यूट्रिशन जरूरी है इंडिया में प्रॉब्लम क्या हो रहा है चाइल्ड स्टंटिंग चाइल्ड वेस्टिंग एनिमिया इज प्रिवेलेंट डाइट प्रॉपर है नहीं जबकि एफ में प्रॉपर स्टोरेज है और ओवर डोज हो रहा है वहाँ पे ओवरलोड हो रहा है स्टोरेज का बट हम उस फूड को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं क्वालिटी फूड को बेनिफिशियरीज तक प्रोवाइड कराएं अफोर्डेबल एक्सेस टू क्वालिटी फूड आइटम अंडर नरिशमेंट की प्रॉब्लम है अंडर न्यूट्रिशन है एनीमिया है डाइट रिलेटेड मेजर्स हैं तो एनीमिया के लिए भी सरकार वर्क कर रही है ऐसा नहीं है आयरन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम होती है एनीमिया में सो so, पोषण अभियान है आयरन फॉलिक एसिड्स की टैबलेट दी जाती है एनीमिया मुक्त भारत करके कैंपेन है डेटा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जैसे इनिशियल डेटा आया है राइट नाउ लेट्स नॉट फोकस ऑन डेटा इन पर्टिकुलर ट्रेंड पे हमें फोकस करना है बिकॉज ये डेटा अभी रिवाइज होने वाला है प्री कोविड वाला डेटा है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एच डी जी टू एंड थ्री ये याद रखने हैं एस डी जी टू एंड थ्री और आंसर में दिखना भी चाहिए एस डी जी टू एंड थ्री ये रिलेटेड टू जीरो हंगर है एंड गुड हेल्थ एंड वेल बींग सो इट इज इम्पॉर्टेंट हम वेल well बींग पे भी फोकस करें वेल well बींग पे भी फोकस करें कल एच डी आई के आपने सवाल प्रिपेयर किए एच डी आई प्लानिटरी एच डी आई गुड वेल बींग इज इम्पोर्टेंट एंड एच डी जीज आर इम्पोर्टेंट सो पुटिंग फूड एट द सेंटर ऑफ इंडियाज न्यूट्रिशन एजेंडा अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट वॉट चैलेंजेस डू ऑनलाइन क्लासेस पोज इस बात पे एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है ऑनलाइन क्लासेस से आप किस बात पे अग्री करते हो किस बात पे आप डिसअग्री करते हो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी प्रॉब्लम है एक तो सब वेलवर्स well नहीं होते सबको पसंद भी नहीं है ऑनलाइन क्लासेस जो रेगुलर पेन एंड पेपर होता है टीचर सामने बैठा है बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ये एक बेटर मॉडल है इससे काफ़ी सारा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होता है पीयर लर्निंग भी होती है ऑनलाइन क्लासेस के अपने ड्रॉबैक्स भी हैं ऑनलाइन हम कुछ भी पढ़ते हैं ना तो आप ये नोटिस करना उसका रिटेंशन बहुत कम होता है अब दिन भर वीडियोस देखो एग्जाम के एक हफ्ते पहले यू वुड सी कि, कि कितना ज़्यादा एंट्रोपी हो गया है अगर आप उसने आपने उसको कंसोलिडेट नहीं किया है तो प्रॉब्लम आता है एक्सेस टीचिंग स्किल्स का आता है असेसमेंट का आता है चैलेंजिंग है बट देर आर ऑलवेज देर आर वेज दैट दे कैन बी मेट तो सॉल्यूशंस तो हमेशा होते हैं सॉल्यूशंस हम लाएँ इसमें एक तो स्टीप लर्निंग कर्व है ये एक्सेस हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो डिजिटल डिवाइड है उसको फुलफिल करना पड़ेगा इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करें चीप गैजेट्स प्रोवाइड करें और एक एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करें अगर एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट right है तो राइट टू डिवाइस भी एक फंडामेंटल राइट right है आप इसको डिनाई नहीं कर सकते सरकार को प्रोवाइड करना पड़ेगा हम एक देख भी रहे हैं जैसे पी बनाने की बात है जैसे पी होते थे वाई के लिए दिस इज इम्पॉर्टेंट इंटरनेट एक्सेस इज इंपॉर्टेंट ऑनलाइन क्लासेस में अटेंशन का प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन असेसमेंट कैसे करेंगे प्रेजेंटेशन रेगुलेशन स्टीप लर्निंग कर रहे डिजिटल डिवाइड दीज आर प्रॉब्लम्स बट देर आर सॉल्यूशंस एज वेल एंड वी नीड टू इनोवेट इस बात पे एक पॉइंट ऑफ व्यू होना जरूरी है ऑनलाइन क्लासेस में ओके कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी ये जो टॉपिक है इसमें बात है कर्नाटका का बिडाडी का यहाँ इन्होंने वेस्ट टू एनर्जी का ये एक प्लांट लगाया है साढ़े ग्यारह दशमलव ग्यारह दशमलव पाँच मेगावाट का है छः सौ टन यहाँ पे इनऑर्गेनिक वेस्ट आएगा तो उससे इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा ऐसे पहला प्रोजेक्ट नहीं है ऐसे और भी प्रोजेक्ट आए थे प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो वेस्ट आता है ना इसका बहुत डिफरेंट वेराइटी होता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल है प्लास्टिक है वो ज्वलनशील तो नहीं है वो प्लास्टिक गीला सूखा ऐसे करके सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ऐसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वेस्ट सेग्रीगेशन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इफ यू मूव फर्दर दिस इज क्लासेस एंड रंबलिंग ऑफ डिसकंटेंट देन दिस इज नेक्स्ट पेज आउटरीच आई एस लॉन्च कर रहा है सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है ना वो यूजुअली जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखी जाती है वो स्टेशनरी दिखती है हमें ये फोर्टी सेकेंड कॉम्युनिकेशन सेटेलाइट है और जो पोलर सैटेलाइट होती है ना ये बेसिकली रिकोनासांस मैपिंग स्पाइंग इन सब के लिए होती है फोर्टी सेकेंड कॉम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये पी एस एल वी सी फिफ्टी से हुआ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये हमारा वर्क हॉर्स है सेकेंड लॉन्च पैड है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा रेंज से आई एस आर ओ ने सक्सेसफुल लॉन्च किया अब ये बिकॉज कॉम्युनिकेशन सेटेलाइट है सात साल इसका लाइफ स्पैन होगा और ये कॉम्युनिकेशन हेल्प करेगा इंडियन मेन लैंड में भी अंडमान एंड लक्षद्वीप आइलैंड में भी नेक्स्ट जो ये फिफ्टी था अब नेक्स्ट सी फिफ्टी वन होगा इसमें प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट भी हम लॉन्च करने वाले हैं दिस इज आई एस आर ओ योगासन मेडिटेशन गवर्नमेंट अब इसको स्पोर्ट बनाने की बात कर रही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इतना ही पैसे का बन रहा है टाटा सन्स वॉलेटेड कंपनीज एक्ट प्रोविजन यहाँ पे बात हो रही है शाहपुर जी ग्रुप एंड टाटा दे आर डिसअग्रीमेंट फूड फॉर द फेथफुल देन दिस इज रेजन रनिंग पास द हर्डल हर्डल मतलब बाधा है रनिंग पास द हर्डल रनिंग इज एन एक्सेलेंट एक्सरसाइज इन पुरसूट ऑफ आइडियाज और ये डब्ल्यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड नेसेसरी न्यूज़ डब्ल्यू एच ओ प्रोब कर रहा है वायरस ओरिजिन इन चाइना बारह पंद्रह एक्सपर्ट्स हैं वुहान जाएंगे एग्जामिन करेंगे एविडेंस कलेक्टेड बाय चाइनीज रिसर्चर दिस इज इंपॉर्टेंट एक बायो टेररिज्म जैसा वर्ड भी अभी काफी चल रहा है न्यूज में सो बायो वेपन्स सो दिस इज तालिबान दोहा मैक्रॉन कोविड नाइनटीन बाइडन गवर्नमेंट पुतिन एंड दिस इज वोन स्टेप बैक फ्रॉम एस फोर हंड्रेड टर्की ने फॉर्मली कह दिया है देन गवर्नमेंट प्लान करेगी सिक्सटी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट टू बोलस्टर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैस होता है ना वो यूजली लेस क्वालिटी होता है दिस ऑयल से देन रिटेल एन पी ए हायर है सेकेंड में जी डी पी कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेवन पॉइंट एट परसेंट एफ आई ट्वेंटी वन में ऑल दो कॉन्ट्रैक्शन नैरो हो रहा है अब एडवांस कॉरपोरेट टैक्स इनफ्लो जम्प इतना हुआ मॉपअप किया फोर्टी नाइन परसेंट वेबिनार होगा म्यूचुअल फंड में एंड दिस इज स्पोर्ट्स कोहली कल रनआउट हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन बिगिन होगा फेब्ररी एट से क्वालिफायर दोहा में होंगे दोहा किसकी कैपिटल है बताइए अब ये इंडियन एक्सप्रेस है ओपन टू आइडिया ऑफ एडिंग वैक्सीनेशन ड्राइव विद इलेक्शन कमीशन हेल्प इज सॉट दिस इज वंडरफुल इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है ना अभी यू एस में भी आई वॉज फॉलोइंग न्यूज रिजल्ट आने में काफी टाइम भी लग रहा था देन ऐसे एलिजेशन हो रहे थे ऑल दो ई सी पे भी एलिजेशन लगते हैं बट ई सी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है इंडिया के ई सी की हेल्प्स इज शॉर्ट तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है सी सी सुनील अरोरा साहब ने कि वैक्सीनेशन ड्राइव में भी इसी हेल्प कर सकता है इफ़ यू वॉन्ट आर्म्ड फोर्सेज ने इतने दिस ये न्यूज़ काफ़ी पेनफुल न्यूज़ है हमने कुछ दिन पहले इसको एडवोकेट भी किया था इलेक्ट्रिक फेंस को कि ये काफ़ी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है बट ये ऐसा लग नहीं रहा है असम इलेक्ट्रिक फेंसेस टेक टोल असम में क्या है एक ऐसे इलेक्ट्रिक फेंसेज बना दी गई थी सो so दैट ये जो हाथी होते हैं हाथी ना एक बहुत फैमिली वाला एनिमल होता है ये काफ़ी क्लोजली टाइड एंड बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहती है इनकी तो अक्सर आप देखना अगर कुछ ऐसा ट्रेजिडी होता है ना तो बहुत सारे एलिफेंट्स लाइफ लॉस कर देते हैं ट्रैक में भी एक आता है सब उसको बचाने जाते हैं देन दिस इज डिज़ास्टर सिमिलरली इलेक्ट्रिक फेंस में ऐसे इलेक्ट्रिक फेंस लगाया था ताकि हाथियों को एंट्री को स्टॉप करे बट यहाँ पे एक डिज़ास्टर हो गया इस पर फिर से दिस जाँच होनी चाहिए मेट्रो फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन मैजेंटा लाइन ड्राइवर लेस ट्रेन स्टार्ट हो रही है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ये वर्ड याद रखना है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एक गुजराल डॉक्ट्राइन भी है कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था गुजराल डॉक्ट्राइन देन दिस इज फास्टैग फास्टैग मतलब टोल प्लाजा है गाड़ी को रुकना नहीं पड़ेगा स्पीड से वो ऐसे निकल जाएगी और यहाँ पे चिप है आर एफ चिप है उससे वो यहाँ पे उसका डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से ये सारे फास्टैग अवेलेबल यहाँ पे अवेलेबल है ये हनुक्का है हनुक्का क्या है हनुक्का इज फेस्टिवल फेस्टिवल ऑफ लाइट लाइट्स टू इंडियन लाइट हनुका एक जुइस फेस्टिवल है अर्ली विक्ट्री दिस दिसराइल जोइ यहाँ पे सेलिब्रेट होता है इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहा जाता है दिस इज हनुक्का दिस इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर हसीना वर्चुअल समिट हुआ है स्ट्रेंदन करें कोऑपरेशन इन पोस्ट कोविड इरा बांग्लादेश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेबर देन एडिटोरियल में स्पेक्ट्रम ऑफ चॉइसेस है गवर्नमेंट मैक्सिमाइज करे लेट स्कूल्स ओपन कंटेजियंस इन द एयर जो वायरस कॉजिंग डिसीज कॉजिंग एंड दिस इज इनफॉर्म रिफॉर्म लाइज द फार्मर्स इंटरेस्ट सब एग्री इस बात पे करते हैं कि रिफॉर्म्स आर जरूरी शैलो रिकवरी है और ये रॉकेट है आई का सी एम एस ज़ीरो वन शुड यू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन अगर ज़्यादा पैसा है तो करिए वरना मत करिए दिस इज़ वेरी वेरी फ्लक्चुएटिंग थिंग यू कुड बी एट लॉस म्यूटेटेड कोरोना वायरस इन यूके इम्प्लीकेशन अमेंडमेंट कर्नाटका दैन दिस इज़ यू एस मैक्रॉन कोविड नाइन्टीन हो गया है दिस इज चाइना ट्रैक्ड एडवांस कॉर्पोरेट टैक्सी एडवांस्ड कॉरपोरेट टैक्स मॉपअप जर्म फोर्टी नाइन परसेंट पर्सनल आई टी इनकम टैक्स फॉल हुआ है ये बात है यूएस ने इंडिया को करेंसी वॉचलिस्ट में रखा है बट इसका इतना कोई सिग्निफिकेंस है नहीं यूएस ने चार्जेस लगाए कि हम अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस रखते हैं कि हमारा करेंसी एक्चुअली डी वैल्यू कर देते हैं तो एक डॉलर से सिक्सटी रुपी एक डॉलर का स्ट्रेंथ बढ़ गया है रुपी कमज़ोर हो गया है तो उससे एक्सपोर्ट हमारा कॉम्पिटेटिव हो जाएगा तो ऐसे एलिजेशन इसने लगाए हैं करेंसी वॉच लिस्ट में इंडिया को रखा है तो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस इन द हिंदू आज का मैप है इसमें हम पढ़ते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्विकली जस्ट गो थ्रू इनसे सारे हम देखते हैं आप बताओ आपने कौन सी साइट देखी है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स है चंडीगढ़ देन दिल्ली में ये है कुतुब कॉम्प्लेक्स हुमायूं टूम रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स ये तीनों मैंने देखा है केवला देव नेशनल पार्क भी देखा है आगरा फोर्ट ताजमहल फतेहपुर सीकरी भी देखा है फिर हम इधर आते हैं तो ये कंचनजंगा नेशनल पार्क है यहाँ एक बार जाना है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पोबीतोरा भी हम पढ़ते हैं वो सब यहाँ पर है असम में ये सुन्दर बंस हैं ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल है बोध गया गौतम बुद्ध और ये नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा एंड बोध गया देन यहाँ पे खजुराव ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं ये रॉक शेल्टर ऑफ भीम का है ये सन टेम्पल्स है ओडिशा में वेरी ब्यूटिफुल देन दिस इज सांची स्तूपा यहाँ में गया हूँ चंपा पावागढ़ आर्क्योलॉजिकल पार्क यहाँ पर है गुजरात में अजंता और एलोरा ये दोनों गुफाएं हैं अजंता एंड एलोरा अजंता एंड एलोरा ओके फिर ये हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद भी है ये रानी की वॉफ स्टेप वेल है ये हमारा राजस्थान है जंतर मंतर जयपुर है केवला देव नेशनल पार्क यहाँ पर है देन ये पूरा वेस्टर्न घाट्स है के। एलिफेंट केव्स हैं छत्रपति जी महाराज शिवाजी टर्मिनस है चर्चेज एंड कोवन ऑफ गोवा है ये हम्पी है ये पट्ट है चोला टेम्पल्स हैं ये महाबलीपुरम अभी कुछ दिन पहले देखा था मम्बलापुरम और ये चोला टेम्पल्स है तमिलनाडु में ये हिल फोर्ट्स हैं राजस्थान के जैसलमेर रणथंबोर गागरोन कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ वेरी वेल बिल्ट ये फोर्ट्स हैं ये माउंटेन रेलवेज हैं हमने गेज पढ़ा था ना मीटर गेज नैरो गेज ब्रॉड गेज कालका शिमला रेलवे है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है नीलगिरी माउंटेन रेलवे है वेस्टर्न घाट दिस हेरिटेज साइट है ये तो ये सारी साइट्स हैं अब आपको स्कोर डिटेल में पढ़ना है तो जस्ट गो थ्रू दिस इनक्रेडिबल इंडिया डॉट ओ आर जी वेबसाइट यहाँ आप देखो ये थर्टी एट टोटल नंबर है कल्चरल तीस है नेचुरल सिक्स है, है और मिक्सड वन है और अदर वन ये सारे वेबसाइट में बहुत अच्छे से इसमें दिया है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन सब दिया है मानस वाइल्ड लाइफ इंडिया रानी की विवाह वाव फोटोग्राफ के साथ दिया है वेस्टर्न घाट्स तंजवर ओके सो हैव अ लुक एट दिस वेबसाइट ऑल राइट सो दिस इज अवर टूडेज न्यूज पेपर तो आज हमने पढ़ा वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिस इज चाइना हनुक्का न्यूट्रिशन एग्री रिफोर्म्स ओवर रीच टाइज बैक टू लाइफ बांग्लादेश इज अ प्रायोरिटी एंड प्रोटेस्ट सो दिस इज दिस इजींथर ट्वेंटी ट्वेंटी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिसक केयर स्टडी वाल एन बी सेफ